मेरे गुरु पाद पद्मा नित लीला प्रविष्ट विष्णु पाद स्तोत्र सदश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्मा नित लीला प्रविष्ट विष्णु पाद स्तोत्र सदश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गत कले हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे श्री राधा रानी रावल ने श्री वृषभानु महाराज की राज नंदिनी रूप में श्री राधा रानी जन्म दिया। बोले श्रीमती राधा रानी की। इसलिए कुछ कुछ लोगों का प्रश्न है, जैसे वृंदावन में जाओ सबके सब किसका नाम लेते हैं? जोर से बोला राधा रानी का। बोले आप इतने राधे 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 बोलते हो, ये भागवत में फिर राधा इसका नाम क्यों नहीं है? क्योंकि जो भागवत ग्रंथ है ये जितने सारे शास्त्रों का निचोड़ जो भागवत है, वेद पुराण उपनिषद, इसका सार सार ये श्रीमद् भागवत है। जब भागवत ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है फिर भागवत में फिर इसमें राधा जी का नाम क्यों नहीं? लेकिन हमारे गौड़ीय टीकाकार कहते हैं भैया भागवत में तो राधा जी को छोड़ कर और कुछ है, इसमें तो राधा ही राधा है, हैं? इसमें तो राधा जी को छोड़ कर कुछ है नहीं। ग्रंथ का नाम क्या है? श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् मतलब क्या है? श्री मतलब श्री लक्ष्मी। कहते मूल लक्ष्मी कौन है? हैं? कहते मूल लक्ष्मी श्रीमती राधा रानी सर्वशक्ति भरी असी है, इसलिए पराशक्ति लादिनी शक्ति स्वरूप शक्ति ये श्रीमती राधा है। और जितने जगत में शक्ति है उमा रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी राधा अवतार सबे आमना है वाणी, ये जितने उमा रमा सत्या सची कौन है? ये राधा रानी सब प्रकाश, लेकिन मूल कौन है? श्री राधा रानी। इसलिए श्री मतलब श्रीया श्री राधा रानी, मद मतलब होता है प्रेम। हम कहते हैं ना उसने मदिरा पी करके मधुआ बन गए, इसका भागवत क्या बोले श्री मद, मतलब राधा जी की जो प्रेम ही ये श्रीमद भागवत ग्रंथ है। इसलिए एक उदाहरण देकर समझाए है, एक उदाहरण देकर समझाए कि एक समय है, एक समय जैसे कोई सेठ था, वो सेठ क्या करता है? को पैसा कमाता है, लेकिन किसको पास में पैसा रखता? बोले सेठानी को पास। हमको सेठ से आपको पास में पैसा जब देते कि नहीं? जितने सेठ है तब तुम्हारे पास में पैसा किसको पास में रखते हैं? सब सेठानी को पास में देते कि नहीं? सेठानी को। इसलिए सेठ कमाता है तो सेठ, लेकिन पैसा किस पे देता है? वो सेठानी को। अभी वो सेठानी क्या करती है आलमारी में एकदम हजार दो हजार दो हजार नोट गड्डी के गड्डी सब सजा करके रख रही, और जितने हीरे जवाहरात और सोना चांदी सब सेठानी के पास है आलमारी में रख रही। एक दिन वो सेठानी पागली भी बन गई, ये जितने सारे रुपया पैसा था हीरे जवाहरात लेकर के छत ऊपर में गई, उसने लुटाना शुरू की। जब लुटाना शुरू की जितने दरिद्र दुखी दरिद्र थे, ए, दो लाख लाख रुपए गड्डी के गड्डी सोने चांदी को उठाए, माला माल हो गए सब के सब है। कहते यहाँ पर सेठ कौन है? बोले सांवरिया सेठ, कृष्ण ही सेठ। ये तो खूब भक्ति को कमाता है, लेकिन रखते हैं किसको पास में? ये सारे माल किसको पास में? ये सेठानी को पास में। सेठानी कौन है? श्री राधा रानी। बोले राधा रानी की। अभी वो सेठानी सारे माल पर रखती है। एक दिन वो सेठानी कृष्ण प्रेम में दीवानी बनी, बन करके जितने वहां सब पैसा था उसको लेकर ऊपर गई, इस चीज के पैसा प्रेम भक्ति की धन, वो छत ऊपर में गई और उसने लुटाना शुरू किया। और आप और हम जैसे कृष्ण प्रेम के जो दरिद्र है, कृष्ण प्रेम के जो भिखारी, वो प्रेम धन को उठाया और सबके सब हम माला माल हो गए। इसलिए कहते जो ग्रंथ का नाम ही श्रीमद् भागवत, मतलब हम कथा नहीं सुन रहे हैं। श्री राधा रानी जब ये कृष्ण प्रेम में जब दीवानी बन करके
क्या करती हैं, ये कृष्ण प्रेम को ये लुटा रही हैं। और हम सब क्या कर रहे हैं, कथा नहीं सुन रहे हो, क्या कर रहे हो, कृष्ण प्रेम को, राधा रानी भक्ति को हम सब के सब आहरण कर रहे हैं। इसलिए ये ग्रंथ का नाम ही श्रीमद् भागवत, ये कृष्ण परक ग्रंथ नहीं। इसलिए हमारे बड़े गुरु जी कहते थे ये श्री राधा परक ग्रंथ है। इसलिए जो साधारण लोग क्या कहते हैं, जैसे दशम स्कंद सुना है, कल हम कृष्ण कृष्ण कथा सुन लेंगे ना, केवल कृष्ण कृष्ण कथा सुनोगे, लेकिन हमारे महाप्रभु के भक्त क्या कहते हैं, बोले ये जो भागवत ग्रंथ है ना, ये कृष्ण परक नहीं, ये राधा परक ग्रंथ है, जिसमें राधा रानी की विशेष महिमा को जिसमें बताई गई है। बोले कैसे, जैसे ये श्रीमद भागवत ये कृष्ण स्वरूप है, कहते प्रथम द्वितीय स्कंध कृष्ण के दो चरण है, तृतीय चतुर्थ स्कंध भगवान की दो गुरु है, पंचम स्कंध भगवान की नाभि, षष्ठ स्कंध भगवान की बख्य स्थल, सप्तम अष्टम स्कंध भगवान की दो हाथ है, नवम स्कंध गला, मुखारविंद दशम स्कंध, एकादश स्कंध लला और द्वादश स्कंध भगवान के सर है। उसमें ये मुखारविंद किया, बोले दशम स्कंध, जैसे एक व्यक्ति को आप देखो कैसे पहचानोगे, अब उसका सर ढक दो ना, बोलो ये कौन है, आप बता पाओगे किसका सर ढक करके, अगर कुछ भी शरीर देखने का जरूरत नहीं, इसकी मुंह भी देख लो ना पता चल जाएगा। अब ये मक्स आ गया ना, अब ये मक्स भी पहनने पर पता नहीं चलता ही गोद में है, लेकिन जब उसको उतार दो ना पता चलता भैया ये व्यक्ति अमुक व्यक्ति ये व्यक्ति है। ठीक उसी तरह जो दशम स्कंध है ये भगवान की कृष्ण कथा, यही भागवत का सार। लेकिन दशम स्कंध में सार क्या है, इसमें बताए जो मुस्कुराहट है, एक व्यक्ति दुखी ना सुखी हम पहचानेंगे कैसे, उसकी अगर व्यक्ति हंस रहा है ना पता चलेगा भाई आप खुश है, अगर इसका मुंह लटका हुआ है तो क्या पता चलेगा ये दुखी है। इसलिए कहते भागवत ने हंसी किया है, अरे ये रास लीला, मतलब दशम स्कंध का सार है, कृष्ण जिन ब्रज गोपियों को प्रेम में भगवान रिली बन गए, कहते नपार अहम निरबद्ध संजुगाम सुसाधु कृत विबुधाई साबिगो, कृष्ण कहते हैं ब्रज गोपियों तुम लोगों ने मेरे लिए, तुम लोगों ने जो किया है अपना भाई बंधु पुत्र परिवार को एक तरफ में रख करके संपूर्ण रूप में मेरे लिए तुम लोगों ने सब छोड़ करके आए, अगर ब्रह्मा जैसे परमायु अगर क्यों नहीं ले ले तुम्हारी ऋणी से, कभी मैं बन ही नहीं सकता हूँ है। इसलिए रासलीला में ही भगवान ये बात उन्होंने रासलीला में किया है। इसलिए रासलीला में उसमें पांच अध्याय, कितना अध्याय है, पांच, कहते पांच अध्याय क्या है, कहते ये पंच प्राण, जैसे कि शरीर है, अगर शरीर में अगर प्राण नहीं रहा बताओ शरीर का कोई कीमत है क्या, कोई महत्व नहीं, अगर प्राण हो तो सब कुछ है। इसलिए भागवत दशम स्कंध का प्राण रासलीला, और रासलीला में जो पांच अध्याय है ये पंच प्राण है, मतलब भागवत का सार क्या है, कहते ये रासलीला, कहते भाई रासलीला में सार क्या है, रासलीला में जो सार है ये राधा रानी की भक्ति। इसलिए जिस समय रास हो रही थी, जब कृष्ण जब राधा रानी रास छोड़ करके चली गई, रास बंद हो गया, जब सुखदेव गोस्वामी राधा रानी को, जब श्री गोपियां राधा रानी को ढूंढ रही थी, कृष्ण को ढूंढ रही थी, जब श्री कृष्ण को दोनों चरणों के बीच में एक सुंदर एक छोटी सी चरण देखा, इसको देख करके सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हो गए, बोले अनया आराधित नुनम भगवान हरीश्वर, बोले यहाँ पर तो सब गोपियां थी लेकिन कृष्ण सब भी रहते हुए कृष्ण लेकर किसको गए, बोले श्रीमती के बोले राधा रानी को लेकर गए। इसलिए जितने सखियों में श्रेष्ठ कौन है, श्रीमती राधा रानी, बोले श्रीमती राधा रानी की, बोले श्री वृषभानुराग नंदिनी की जय, जय श्री राधे। इसलिए भागवत का सार है राधा रानी का प्रेम। अभी प्रश्न है, कहते श्री सुखदेव गोस्वामी कहते राधा रानी का नाम तो भागवत में क्यों नहीं दिए,
इसका कारण क्या है, स्पष्ट रूप में क्यों नहीं बताए? इसका कारण हमारे टीकाकरण अलग अलग बात बताते हैं। पहला कारण बताए, कहते ये श्री श्रीधर स्वामी कहते हैं, जब श्री सुखदेव गोस्वामी एक बार केवल राधा रानी का नाम ले सके, बोले राधा नाम उच्चारण मात्रेना सड़मार्षिक मूर्छा भवे। जब एक बार श्री राधा रानी का नाम लेते थे, वो 6 महीना तक तो बेहोश हो जाते थे। उन्होंने देखा मेरे पास में कुल 7 ही दिन है, अभी भागवत कथा 7 दिन में पूरी करना, अगर मैंने 6 महीना तक तो बेहोश हो गया फिर ये कथा कैसे सुनाऊंगा? इसलिए उन्होंने श्री राधा जी का नाम तो उन्होंने नहीं लिया। याद रहेगा क्या? याद रहेगा राधा जी का नाम क्यों नहीं लिए बोलो? अरे बोलो क्यों, किसलिए नहीं लिए? ध्यान देकर सुनो, कल सबको पूछूंगा मैंने क्या बताया। ठीक है, ये पहला कारण। बोले दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण बताया, जैसे मेहंदी पत्ता, मेहंदी पत्ते देखे हो? कौन कौन मेहंदी पत्ते देखे हो? आप बताओ मेहंदी का पत्ते का रंग कैसे है? हरा। लेकिन वो क्या हरा है? क्या है? लाल। लेकिन ऊपर से क्या दिखती है? हरा। कहते उसको पीसो, पीसने पर देना तभी हरा हरा दिखेगा। लेकिन जब आप अपना हाथ में लगा देते ना मेहंदी को, जब सूख जाता है कौन सा रंग हो जाता है? लाल हो जाता है। देखो ना, महीना तक भी रंग नहीं छोड़ती है। कहते उसी तरह भागवत में ऊपर से क्या दिखता है? भागवत में हरा हरा, हरा हरा मतलब कृष्ण कृष्ण दिखते हैं, लेकिन अंदर में देखोगे ना कृष्ण कृष्ण नहीं, अंदर में श्री राधे राधे। बोले श्रीमती राधा रानी की। इसलिए कहते ये कारण है, इसको मतलब है जब हम साधन करेंगे फिर भागवत में हमें सब जगह में श्री राधा ही राधा दिखेगा और कुछ दिखेगा नहीं। इसलिए ये हो गया दूसरा कारण। तीसरा कारण बताए, जैसे एक बहता हुआ नदी, जो बहता हुआ नदी का पानी सब पी सकते हैं, जानवर इंसान चिड़िया, लेकिन अगर कुएं में पानी हो सब नहीं पी सकते हैं। कौन पी सकता है? जिसको पास में रस्सी और कोई पात्र हो ना, वही को पानी को पी सकता है, हैं? लेकिन कुएं का पानी देखना बड़ा ठंडा पानी, लेकिन जैसे नदी में पानी बहती है ना, गैया भी खाते हैं, कपड़ा भी धुलाते हैं, स्नान, कुएं का पानी है वो ठंडा पानी है, वो मीठा पानी, उसका तो निर्मल है। क्या उसी तरह जो कृष्ण भक्ति को तो सब कर सकते हैं, लेकिन राधा रानी का भक्ति सभी नहीं कर सकते। कौन कर सकता है? जिनको पास में कोई रस्सी और कोई पात्र होना, वही व्यक्ति ही ये कुएं का पानी पी सकता, मतलब राधा जी की भक्ति कौन कर सकते हैं? राधा रानी की भक्ति जिसको पास में कोई रस्सी हो कोई पात्र हो, वही केवल राधा जी की भक्ति कर सकते हैं। बोले इसका मतलब क्या है? बोले इसका मतलब है, जब तक हम ऐसे परंपरा में जब तक नहीं जुड़े, कौन सा परंपरा में? जिस परंपरा में से राधा रानी की भक्ति होती है, हम ऐसे परंपरा में जुड़े जिसमें भगवान को निराकरी मानकर, ऐसे गुरु जी क्या जिसमें राधा जी की भक्ति ही नहीं, कोई और कोई भक्ति करने वाले हैं और किसी को, तब भैया जब गुरु जी को पास में जो चीज नहीं हो तेरे को चीज कैसे मिलेगी? अगर गुरु जी को पास में जो होगा तो शिष्य को ही चीज देगा, है ना? अगर गुरु जी को पास में वो भक्ति नहीं तो मिल ही नहीं सकती है। इसलिए हमारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, बोले अनाराध्य राधा पदा भोजरेण अनाश्रित वृंदावनम तद अटवी असंभास तद भाव गंभीर चिता उतः श्याम सिंदूर श्यामला। यहाँ पर कहते हैं अगर किसको कृष्ण भक्ति, अगर कृष्ण भक्ति रस में कोई गोता लगाना चाहते हैं, उनको क्या करनी चाहिए? उनको 3 चीज को अपनाओ तभी जाकर के तुमको कृष्ण भक्ति मिलेगा। बोले पहला चीज क्या है? बोले अनाराध्य राधा पदा भोज रेणु, जब तक श्री राधा रानी की चरण की धूल का आश्रय नहीं करते हो। दूसरा नंबर है राधा रानी की चरण के द्वारा अंकित श्री वृंदावन धाम का जब आश्रय नहीं करोगे, और जो तीसरी चीज सबसे बड़ी चीज है राधा रानी की प्रेम रस में जो डूबे हुए जो संत हैं, जब तक उनकी चरण का आश्रय नहीं करोगे भैया कृष्ण कृष्ण बोलने कृष्ण कृष्ण नहीं बोलोगे।
इसलिए बोले राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी, इसलिए भागवत में सब जगह में तो राधा जी का नाम है, लेकिन देखना पड़ेगा कैसे दिखेगा। जब किसी रसी की संप्रदाय की आश्रय करोगे, जिस संप्रदाय में एकनिष्ठ श्री राधा रानी की भक्ति होती है, तभी ये चीज मिलेगा, नहीं तो ये चीज नहीं मिलेगी। इसलिए कृष्ण कभी अकेले नहीं आते। अगर कोई बोले भैया आप बोधी आया था, कहाँ पर? मोहन नगर में बोधी आया था। लेकिन जब बोधी अकेला आएगा, लेकिन वो आने से पहले उनका जितने पारिषद सबके सब आ जाएंगे, उसको कितने दिन पहले वो आएगा, तो उसके लिए कहाँ पर आएगा, कैसे आएगा, कहाँ हेलीकॉप्टर में उतरेगा, पहले पुलिस ऑफिसर मंत्री पहले सबके सब पहले प्रस्तुत हो जाते, तब मोदी आता है। ऐसी थोड़ी मोदी आ जाएगी। उसी तरह अगर कोई बोले भगवान कृष्ण आए, कृष्ण ऐसी थोड़ी आ जाएगी। जब तक राधा रानी नहीं आएंगे कृष्ण तब तक नहीं आएंगे। पहले राधा रानी, तब उसके बाद में कृष्ण आएंगे, हैं? इसलिए भगवान कभी अकेले नहीं आते हैं। शक्ति शक्ति मत और अभी भागवत में प्रश्न होता है, भागवत में कहां कहां पर राधा रानी का नाम? बोले सब जगह में राधा जी का नाम है। जब सुखदेव गोस्वामी भागवत को प्रारंभ करते हैं, क्या कहते हैं? बोले सत्यम परम धीमहि, वो परम सत्य को ध्यान करते हैं। कहते ये परम सत्य कौन है? बोले परम च पराम च पराम, यहाँ पर जो परम शब्द है ये श्रीमती राधा रानी के लिए बताया। देवी कृष्ण मई प्रभुता राधिका परा देवता, इसलिए कृष्ण की पराशक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी। इसलिए सुखदेव गोस्वामी सर्वप्रथम श्री राधा रानी को उन्होंने वंदना करते हैं। ऐसे ही भागवत का दशम जो रासलीला है, रासलीला का जो पहला जो श्लोक है, बोले भगवान अपि तारात्री सरल मल्लिका भिक्षरत मन सक्री योग माया उपासिता। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी यहाँ योग माया बोल करके, योग माया मतलब भगवान से जीव को जो जोड़ दे। अभी भगवान के चरण में कौन जोड़ने वाले? राधा रानी। इनकी कृपा होगा तो कृष्ण मिलेंगे, नहीं तो कृष्ण नहीं मिलेंगे। इसलिए ऐसे श्री जो जो श्री राधा रानी को सर्वप्रथम उनकी चरण को आश्रय लेकर के तब उन्होंने ये रासलीला को प्रारंभ करते हैं। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। इसलिए कहते रासेश्वरी कौन है? बोले श्रीमती राधा रानी। जब राधा रानी रास छोड़कर चली गई, रास सब बंद हो गया, ठप हो गया रास। क्यों? रासेश्वरी चली, जब गई फिर रास कैसे होगा? इसलिए यहाँ पर सर्वप्रथम श्री राधा रानी को वंदना करते हैं।
जब गोपी गीत गाए वहां पर भी कहते हैं व्रजयती जन्म ना ब्रज सर्वप्रथम श्रायत इंदिरा बोले श्याम सुंदर जब तू वृंदावन में आए कि जो वृंदावन धाम तो राधा रानी की है क्रीड़ा भूमि बन गई श्रायत इंदिरा यहाँ पर भी श्री राधा जी की वंदना करते हैं। ऐसे ही जब अभी श्री गर्गाचार्य हैं जब उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जब उन्होंने कृष्ण की वचनबद्ध करा इसलिए जिस समय सुखदेव गोस्वामी कृष्ण जन्म हुए कृष्ण जन्म होने पर उन्होंने उनके जन्म महोत्सव का वर्णन करते हैं बोले श्रिया कृत्यानुभावेना यहाँ पर कह रहे हैं बोले देखो जब कृष्ण आए थोड़ी अकल आए श्रिया श्रिया मतलब श्री राधा रानी को साथ में आए और उनकी किसकी बेटी बन करके आए बोले कृत्यानुभावेना बोले उनकी जो मैया बनी है ना श्री कीर्ति का मैया है बोले कीर्ति का मैया की बेटी बन करके कौन आए श्री श्याम सुंदर की राधा रानी आए इसलिए यहाँ श्रिया शब्द बोल करके श्री राधा रानी को ही यहाँ पर लक्ष्य करते हैं क्योंकि कृष्ण अकेले नहीं वो अपना शक्ति से राधा रानी को साथ में कृष्ण आते हैं इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी इतने स्थान पर उन्होंने राधा रानी को दिखाया जैसे रासलीला हो रही थी है रासलीला होते होते जब कृष्ण चले गए ब्रज गोपियों ने बोले देखो जब तक श्री यमुना की कृपा नहीं हो है जब तक तब तक नहीं आएंगी और कृष्ण स्वयं कहते हैं मैं कहाँ रहता हूँ बोले मद भक्ता जत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद बोले हे नारद जहाँ पर मेरे भक्त जन बैठ करके मेरे कीर्तन करते हैं वहीं बैठे इसलिए भगवान क्या कहते बोले ना अयम आत्मा प्रवचनेन न लब्ध अगर कोई सोचे प्रवचन के द्वारा प्रभु को पा लेंगे नहीं पा सकते हैं न मेधया बुद्धि से भी नहीं मिलता है न बहुना श्रुते न बहुत सुनने पर भी नहीं मिलता बोले कैसे मिलते हैं भगवान कैसे मिलते हैं बोले सही जाने जा रहे देहु जना उनको वही जान सकते हैं कृपा करके भगवान जिसको जनाते हैं नहीं तो नहीं जान सकते अभी प्रश्न है भगवान किसको जनाएंगे भगवान किसको कृपा करेंगे बोले कलयुग में जो हरि कीर्तन करेगा उसको जनाएंगे जो हरि का नाम लेगा ना ठाकुर जी उनको ही अपना तत्व जनाएंगे क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिरी सुमिरी नरा उतर ही पर चलो हम बैठकर कीर्तन करेंगे जब उन्होंने जमुना किनारा में गोपियों ने कीर्तन किया बोले तासांग आभृत सौरी स्मयमान मुखांबुज भगवान जिस समय गोपियों ने कीर्तन किया कृष्ण साक्षात वहां पर मनमत के मनमत रूप लेकर के ठाकुर जी प्रकट होते हैं जब प्रकट होते हैं वहां पर जो सखिया थी ना कुछ गोपियां आकर किसी ने चरणा पकड़ लिया किसी ने गलवैनिया दिया किसी ने उनको दोपटा को पकड़ लिए किसी ने बोले ठाकुर जी आपका आधार फिर तांबुल दो हैं कुछ सखियां लेकिन कुछ ऐसे सखियां थी जो पास में आई थी दूर में खड़ी हुई थी हैं लेकिन एक सखी थी ओ इतना उनको क्रोध आया बोले एका भ्रुकुटी मां बाध्या प्रेमा संभृत बिहोला वो क्या कर रही इतना दूर से खड़ी होकर के हे बड़ी टेढ़ी भौंहें से नजर से कृष्ण को ऐसे ऐसे देख रहे तुम तो वही काले और दूर तो हैं कहां हम घर में रह रही थी बंसरी बजा करके हमारे मन को तुमने मोहन किया मोहित करके लाए और घोर अंधकार में छोड़ कर चले गए हो कृष्ण इतने में कृष्ण का नजर कहाँ पर कृष्ण को और किसको पास नजर नहीं उनका जो चरण पकड़ा था तांबुल उनको प्रति कृष्ण नहीं देख रहे थे किस तरह देख रहे वो जो अकेली गोपियां खड़ी होकर के कृष्ण को भ्रुकुटी नजर से टेढ़ी भौंहें करके देख रही थी कृष्ण उधर देख रहे थे
है तभी वो कौन थी, बोले ये श्रीमती राधा रानी है, राधा रानी थी। बोले दूर में जो खड़ी होकर देख रहे, बोले ये ललिता विशाखा थी, जो कृष्णा पखिया जो गोपियां थी, जो सब के सब देख रहे थे। बोले देखो यद्यपि कोई उनके चरण पकड़ा, उनको बाहु पकड़ा, लेकिन हमारे जो श्याम सुंदर है ना, उनका नजर कहीं नहीं, उनकी नजर तो हमारे श्री किशोर जी का है। कहते वो कौन है, ये ललिता विशाखा की सखी, उनका चरण कौन पकड़े हुए थे, बोले चंद्रावली पखिया है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये भागवत में केवल श्री राधा रानी की महिमा ये भागवत में। बोले श्रीमती राधा रानी की, बोले श्री वृषभानुराज की जय। श्री राधे एक भजन मेरी श्यामा प्यारी की, ओ बरसाने वाली की कृपा का क्या कहना, कृपा का क्या कहना। Thank you.